ये आफ्ताब भाई सामने आएंगे। आफ्ताब भाई ने अपनी गवाही नहीं लिखवाई, गवाही नहीं लिखवाई आफ्ताब भाई ने। यह वही आफ्ताब भाई जी। मैं प्रोफेशनली गवर्नमेंट मुलाजम हूँ, मेल नर्स हूँ। लास्ट फ्राइडे मैं हॉस्पिटल से सीधा यहाँ पे आ रहा हूँ, और हॉस्पिटल में ना इस्लामी ताकतों ने मुझे घेरा, और इस्लामी ताकतें मेरे अंदर जहूर पजीर हुई और उन्होंने अपने इसरार जाहिर करना शुरू। मैं बड़ा बेबास हो चुका था, मैंने बहुत फाइट की, खुदा ने मुझे बहुत कुवत दी। फिर हॉस्पिटल से सीधा मैं यहाँ पे आया, पास्टर साहब ने मेरे ऊपर दुआ दी, और यहाँ बहुत सारी इस्लामी ताकतें मेरे में जहूर पजीर हुई, मेरे में बोलती रही, और बहुत सारा उन्होंने मुझे घायल किया। लेकिन खुदावंद यीशु की कुदरत से उसके बाद मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कोई ऐसा डर नहीं है, खौफ नहीं है। जो हम में रह के काम करते हैं, और खुदावंद ने ऐसे सूर में पैदा किए हैं जो उसके साथ चलते हैं और इन तमाम शैतानी ताकतों को कुतों को जेर करते हैं। जो हर बंदे के अंदर से शैतान का खौफ खत्म हो गया, वो जीरो है। शैतान क्या है? एक जीरो है। वो जीरो जितना भी बड़ो वो जीरो ही रहता है, वो कभी एक नहीं हो सकता। अम्मी आए भी खुदा के खिलाब की तरफ बढ़े भाई। हम चले देख रहे हैं आज तुम एलसीडी भी दिलाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि मीटिंग्स बड़ी लंबी करते हैं, वर्शिप ज्यादा करते हैं। अगर यहाँ पे मीटिंग लंबी होती है, वर्शिप ज्यादा होती है, तो यहाँ पे काम भी ज्यादा होते हैं। आप क्या समझते हो? ये बात वो नहीं, आप चर्च गए, उसी चर्च गए, कतना ठेक लाई, दो तीन बासियां लिया, तीन चार जमूर गए, कलाम सुने, कार आ गए, वो मीटिंग नहीं होती। आप कहते लॉन्ग मीटिंग, लंबी मीटिंग, यही लंबी बात है। आप यीशु मसीह जो इबादत करते रहे वो देखे, तीन तीन दिन, चार चार दिन, पांच पांच दिन कंटिन्यू चल रही है। कितने जाते हैं भाई बहन? जानते इस बात को कितने कितने दिन, कितने कितने दिन के भुखे लोग यीशु मसीह के नारे ने बोलो, वो तीन दिन बाद क्या करेंगे? की करने हैं ना? तेज तीन घंटे सब बड़े लंबे लगते हैं, पर कहते हैं मेडिकल हो, कभी मेडिकल नहीं हो सकता। अम्मी ऐ खुदा के कलाम के दस किधर बड़े आज इस बात को आप रहने के लिए आपको कलाम समझना होगा, क्योंकि कलाम हमें दिया ही इसलिए गया है कि हम उसके साथ रहें, और किस तरह उसके साथ रहना है, किस तरह चलना है, किस तरह बनना है, ये कलाम है जो हमें बताता है, और इसे समझने की बहुत ही आपकी सरफराजी, आपकी शिफा, आपकी कामयाबी, आपकी मजबूती, आपकी सेहत, हर एक चीज, हर एक बरकत जो आप अलग अलग से मांगते हैं वो इस कलाम से जुड़ी हुई है। जब ये कलाम आपके अंदर आएगा, सुनो, जब ये कलाम आपके अंदर आएगा तो हर एक बरकत आप जो बाइबल से देखते हो वो आपके अंदर आएगी। आज प्रॉब्लम क्या है? लोग कलाम बाहर रख देने और चांदनी बरकत साढ़े अंदर ना, कभी ऐसा नहीं हो सकता। कहेगा कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। उधर मुझे बोल करेगा, उसी का मैं हर रोज तुझे चेक करूंगा, जब भी मैं तुझे भराऊंगा बढ़ाने से पहले तुझे चेक करूंगा। जिस दिन तूने कलाम पर चलना छोड़ दिया उस दिन मैं तुझे बढ़ाना छोड़ दूंगा। तू मुझे रद्द करेगा, मैं भी तुझे, इसलिए हमें कलाम पर चलना नहीं छोड़ना। मेरी बात समझ आ रही है? एक दिन आपकी क्लास होती है और छह दिन आपने प्रैक्टिकल करना है। छह दिन की करना है, जो सुनना है वो देते हैं। जो सुनना है वो देते की करना है,
सब बाइबल का है। मैं हर बार आपको रिपीट कहता हूं, आप जितने पढ़े लिखे लोग हो, वो आपके मोबाइल में बाइबल है, लेकिन बाइबल आपका फखर है, ये कलाम आपका फखर है। जब आप चर्च आए तो आपके हाथ में कलाम होना चाहिए। मेरे पास भी, मेरे फोन में भी बाइबल है, लेकिन मैं इस बाइबल को मिस नहीं करता क्योंकि ये मेरा फखर है। जब कोई मुझसे पूछता है ये क्या है, तो मैं उसे बताता हूँ ये जिंदगी है मेरे हाथ में। जब आप दूर दूर से आते हो, गाड़ी में बैठते हो, आपसे पूछे ये क्या है, ये किताब क्या है, तुझे बोलो ये वो किताब नहीं है, बल्कि ये किताब है जो जिंदगी को पैदा करती है। ये किताब नहीं है, मेरे हाथ में एक तरह की जिंदगी है। आमीन। ऐसे बढ़ेंगे जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी, वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो, अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हो। मैंने ये बात इसलिए तुमसे कही कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मेरा हुक्म यह है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। आमीन। अब यीशु मसीह ने कहा मेरा हुक्म यह है, ये हुक्म मेरे और आपके लिए, सबके लिए, ये नहीं कि जस्ट कलीसिया के लिए और पास्टर के लिए नहीं है, ये सबके लिए। ये हुक्म सबके लिए है। मेरा हुक्म यह है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से। कितने इस हुक्म पर चलते हैं और कितने इस हुक्म पर चलना चाहते हो, मुझे बता दीजिए। शराब चलना चाहते हो, आप चलना चाहते हो, कितने चलना चाहते हैं? सुनो, चलने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो कह रहे हैं कि जैसे मैंने मोहब्बत रखी, तुम भी मोहब्बत रखो। अब इस बात को जानना जरूरी है कि यीशु ने कैसे मोहब्बत रखी, यीशु कैसे मोहब्बत रखता था, यीशु की मोहब्बत किस तरह की मोहब्बत थी, क्योंकि इस हुक्म को पूरा करने के लिए, इस पर अमल करने के लिए यीशु की मोहब्बत को जानना बहुत ही। जब तक आप यीशु की मोहब्बत को जानेंगे नहीं, आप उसे पूरा नहीं कर सकते। उसे पूरा करने के लिए उसे जानना बहुत ही, क्योंकि यीशु ने कहा ये मेरा हुक्म है, ये मैं कमांड कर रहा हूं कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे ने। अब यीशु ने ये नहीं कहा जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी मुझसे मोहब्बत रखो, क्यों नहीं कहा जैसे? उन्हें तो ये कहेगा, हर बंदा ये कहता है, हाँ जी मैं अंदर से प्यार करना, तू ही मेरे नाम क्यों जी अजीत है जी, मैं अंदर से प्यार करना, तू ही मेरे नाम। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं कहा, यीशु ने कहा जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की है, तुम भी एक दूसरे से करो, तुसी भी की करो। यीशु को पता है मेरे ने ना करनी ही करनी, क्यों करनी है? क्योंकि जो कुछ नहीं लगना उदो ना मेरे क्यों होना, मेरे ना तो करनी ही करनी। इंसान को उसने बनाया, इंसान अपने लालच के लिए जिससे फायदा हो उससे मोहब्बत करना ही है, अपने लालच के लिए। यीशु को पता सी मेरे ना तो इन्हें करनी ही करनी है, क्योंकि मेरे को तो ना मंगना तो लेना
अरे मैं तो तुझे ना नहीं करनी, इसलिए यीशु ने कहा कि तुम जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की, जिस तरह मैंने तुमसे की, तुम भी एक दूसरे के साथ करो। जिनके साथ तुम रहते हो, जिनसे तुम मिलते हो, जिनको तुम जानते हो, वही मोहब्बत तुम उनके साथ करो। अभी यीशु ने कैसी मोहब्बत की? रात में नारे के था, वहां में एक भाई अपने बात कर रहे थे, तुम बुला रहे हैं यहूदा चिलुनी, जिसी का यीशु मसीह को पता था, यीशु मसीह को पता था कि ये मेरा पकड़वाने वाला है, ये मुझे मेरे दुश्मनों के हाथ में कर देगा, जो मुझे मारना चाहते हैं ये मुझे उनके हाथ में कर देगा। यीशु को पता था, बाइबल ये है कि यीशु मसीह को पता थी, यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती नो इग्नोर करता सी, या उदे तो नफरत करता है, या दूसरे तो उन्हें पीछे रख देता है। सुनो, यीशु की मोहब्बत क्या है? यीशु ने सिर्फ कहा नहीं अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो, करके भी दिखाया। यीशु को पता था कि ये मेरा दुश्मन है, ये मुझे पकड़वाने वाला है। शागिर्दां तो सब तो अगे उन्होंने रखा, उन्हें क्या खजान जी तू होएगा, सब तो सुविधा ही तो काम ही आगे रखा, उसे आगे रखा जो उसके लिए, जिसके अंदर उसके लिए नफरत थी, जो उसे उसके दुश्मन के हाथों में देने वाला था, जो उसे पकड़वाने वाला था, उसे ही आगे रखा और उससे ज्यादा मोहब्बत की, दूसरों से ज्यादा इज्जत उसे दी। ये मोहब्बत यीशु चाहता है, यही मोहब्बत यीशु कहता है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से वही। क्या आज जिसे हम जान जो कि ये बंदा मेरी हेल्प जो करने वाला बंदा है, ये बंदा मेरी मुखालफत करने वाला बंदा है, ये बंदा मुझे डिग्रेड करने वाला बंदा है, ये बंदा मुझे नीचे रखने वाला बंदा है, ये मुझे पकड़वाने वाला है, क्या आज आप और मेरी लाइफ में ऐसा पाया जाता है कि हम सबसे ज्यादा इज्जत उसे दें, सबसे ज्यादा प्यार उसे करें? ये कैसे कहता है? अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आप वो मोहब्बत नहीं करते जो यीशु ने की थी। खजान जी कौन सी जो शागिर्दां दे विच है? कौन सी बोलो, कौन सी? यीशु जानता था कि मेरे पकड़वाने वाला मेरे क्या होता, वापस ले लिया उसे, कहा अच्छा मुझे बाप ने बता दिया तू मेरे पकड़वाने वाला, चल आज के बाद तू खजान जी नहीं होगा, मैं किसी और को सिलेक्ट करूंगा, तू मुझे बता दे, चल तू निकल जाए यहां से। कहा सर आज ऐ भाई 50,000 रुपया तेरी कुड़ी की शादी है, तेरे मेरे लो मदद है, लड़ाई होगी, मेरा 50,000 रुपया काट, मेरा 50,000 तेरे, तू दी प्राइस गल्ला करे। क्या ये मसीह की मोहब्बत है? मैं तो तक लोगों को देखा चर्च च कोई चीज च हिस्सा पाया, ते लड़ाई होगी बाद में, चल भाई साहब मेरे पैसे, जब मैं तेरे चर्च नहीं आना तो मेरे पैसे भी वापस। बताया क्या कहते हैं? वो मोहब्बत कहते हैं जो मसीह ने हमसे, क्या मसीह ने ऐसी मोहब्बत की? अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप मसीह के उस हुक्म को पूरा नहीं करते जो उसने आपसे कहा, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत। इस लड़की वाले भी दो आप आगे देखो, यहां प्रॉब्लम हो रही है सुनिए वाणी से, क्या मैं ऐसा कहते हो? क्या आपको पता है कि ये बंदा मेरी मुखालफत करता है, और जब भी आपसे मिले आप उसे कहें अच्छा भाई बोतल शोतल खाना शाना मेरे लाइक हो गए, क्या करी बल्कि ऐसी वार्निंग करने आ, आज तो बात मेरी गली की नजर आया मैं तो ये लगता हूँ की करनी है ने लगता तोड़ छड़िया ने ते मोहब्बत किदे वाली राम। उसे पता था लेकिन इग्नोर किया और उस मोहब्बत को अपने अंदर से खत्म नहीं लिया, बरकरार रखा उसी मोहब्बत को। मैं लोगों को जब जाता हूं दूसरे शहरों में जाता हूं तो मैं स्टेज पर बोल के बताता हूं आप यीशु को देखने आए हो, आज मैं दिखाऊंगा आपको यीशु। अगर आप यीशु के साथ होने का दावा करते हो, उसके हुक्मों पर अमल करने का दावा करते हो, तो फिर ये हुक्म भी उसने दिया है कि अपने दुश्मन से अपनी मोहब्बत
कभी हमारा प्रतिज्ञा नहीं हुआ, कभी हमने तजर्बा नहीं किया कि अपने दुश्मन से अपनी मानव मोहब्बत क्या है। अगर हम उसे जानेंगे नहीं तो उस हुक्म को पूरा कैसे करेंगे। आप अपने आप से कितना प्यार करते हो कभी जाना, अगर आपको बोला नहीं आप अपने आप से कितना प्यार करते हो तो आप अपने दुश्मन से अपनी मानव किस तरह प्यार करोगे। इनको पूरा करने के लिए सुनो, आपकी कभी सीटिंग यीशु के साथ नहीं हो सकती अगर आपने ये बातें नहीं पाई जाती। रोम आज ज्यादा लोग मर रहे हैं, वो समझते हैं खाली जस्ट 10-15 मिनट 20 मिनट ब्रेक करने से मैं यीशु के साथ हूँ। रोम आप पूरा दिन प्रे करते रहे, अगर आपने ये बातें नहीं तो आप उसके साथ नहीं हो, आप नहीं उसके साथ। उसके साथ रहने के लिए उसके हुक्मों पर चलना बहुत जरूरी है। और उसका हुक्म है कि अपने दुश्मन से अपनी इमारत मोहब्बत हुआ तजर्बा कभी आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं। अपनी तकलीफ जिस तरह आपको कोई चीज लगे और आपको तकलीफ होती है, अगर वही चीज आपके दुश्मन को लगे तो आप तकलीफ महसूस करो। और जब आपको तकलीफ होती है कुछ और लगने से आप जिस तरह अपने लिए सोचो मुझे ये करना चाहिए मुझे ये करना चाहिए बाकी नहीं, उसी तरह आप अपने दुश्मन की केयर करो जिस तरह अपनी करते हो। ये वो मोहब्बत है जो मसीह ने हमसे, और यही मोहब्बत हमने एक दूसरे से करनी है। जो मुझे मिले जिसे मैं जानता हूं जिसके मैं इंसान रहता हूं वही मोहब्बत करनी है जो मसीह ने मुझसे। इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए। जो कुछ मैं तुमसे तुमको हुक्म देता हूं अगर तुम उसे करो तो तुम मेरे शर्त रखी है। अब ये नहीं कहा अगर तुसी 10-15 मिनट प्रे करो तो तुसी मेरे दोस्त हो, अगर तुसी महीने पर नहीं पी रहो तो तुसी मेरे दोस्त हो, तीन चार गुण गाओ ऊंची ऊंची हालेलुया कहो तो तुसी मेरे। क्या कहा? ये सारी बातें बाद में, सबसे पहले क्या, अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करो तो तुम मेरे। एक बंदे का कैरेक्टर देखकर मैं जान सकता हूं कि खुदा के साथ इसकी दोस्ती है या नहीं। आप एक बंदे के कैरेक्टर से अगर आप बाइबल का कैरेक्टर जानते हैं और एक बंदे का कैरेक्टर जानते हैं तो आप जज कर सकते हो कि इसकी दोस्ती खुदा के साथ है या नहीं। अब उसने हुक्म दिया कि सच बोलो झूठ ना बोलो। एक झूठ बोलने वाला बंदा कहता है मेरी खुदा के साथ दोस्ती है, रहो मैं बिलीव नहीं करूंगा। तो उसने कहा जो अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो तुम मेरे दोस्त हो। अब वो इस हुक्म पर नहीं अमल कर रहा, उसने कहा सच बोलो। हम क्या कर रहे हैं, असी की कहने पे बोलो की कह रहे झूठ, फिर साड़ी होनी दोस्ती कभी नहीं। असली मैंने कहा आपको आपको देख कर बता सकता हूं कि आपके खुदा के साथ दोस्ती है, आपके कामों से पता चलता है आप उसके दोस्त हो या नहीं। और यीशु ने कहा भी लोग तुम्हारे कामों से जाने, यानी कि आपकी प्रेम से जाने, आपकी फास्टिंग से जाने, आपके हदीस से, आपके आपकी दही किसी नहीं। ये सारी चीजें उस वक्त आपको फायदा देगी जब आप उसके हुक्मों पर अमल। अगर आप उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते तो आपको ये करने का भी कोई फायदा कोई फायदा नहीं, एक भी फायदा नहीं। और उसी के हुक्म है जो मैं आपको बता रहा हूं, उसी जैसी मोहब्बत पतरस के घर में लिखा है। वो गालियां खाकर गाली नहीं देता था। अब ये मोहब्बत थी जिससे मोहब्बत कहते मैं देखा लोगों एक गाल को कत्ल हो जाती थी, पर मैं देखा जिन्होंने मोहब्बत होंगी जो सलाम ही लेते गाल कट दे कैसे गाल देने कि बर्दाश्त करी दी गाल क्यों क्योंकि अस की करने फिर गल नहीं समझ आ गई समझ आ गई। ये नहीं कि उसी के पास वो क्या नहीं था, खास कर लेकिन यूज नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्यों? मोहब्बत का एक नमूना देने के लिए कि मोहब्बत क्या होती है। जो मोहब्बत
मसीह कहता था, मसीह ने मोहब्बत में सब कुछ बर्दाश्त किया, और वही मोहब्बत अगर आज आपके और मेरे अंदर होगी तो हम भी सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। आज इंसान के अंदर वो बर्दाश्त क्यों नहीं जो मसीह के अंदर थी? क्यों नहीं है? क्योंकि मसीह की वो मोहब्बत उसके अंदर वही मोहब्बत का पहलू से सुन क्या तेरा बाप में कहता है कि मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। अगर आप में बर्दाश्त नहीं है तो सुनो, आप में वो मोहब्बत नहीं है जो मसीह वाली थी या जो मसीह ने हमसे की, हमें वो मोहब्बत नहीं। अगर वो मोहब्बत हो तो आज हम भी सब कुछ बर्दाश्त कर लेते। बाइबल कहते हैं अपने दुश्मनों की बर्दाश्त करो। सुनो, दुश्मन ते बड़ी दूर दी गल, अज हस्बैंड वाइफ दी बर्दाश्त नहीं करदा, वाइफ हस्बैंड दी बर्दाश्त नहीं करदी, बाप बेटे दी नहीं करदा, और बेटा मां की दी नहीं करदी, ते नू सास भी नहीं करदी, ते सास एक करेगी चार सुनेगी। अपनी इज्जत अपने हाथ होती है अम्मा, कहना की है या अपनी इज्जत क्या बात है? बाहर तो कहना मैं तो पसीना फड़ा प्यार कर रहा हूं। कैचर आपके काबा से बोला जाना है कि आप मसीह से कितना प्यार करते हो, और यकीन जाने जितनी ब्लेसिंग जितना मसा आपको अपने दुश्मन से अपनी मानव मोहब्बत करने से मिलता है। एक बंदा दस घंटे प्रे करता है और अपने दुश्मन को माफ नहीं करता, एक बंदा एक घंटा प्रे करता है और अपने दुश्मन का अपनी मानव प्यार करता है, वो दस घंटे वाले नालों कितने ज्यादा ब्लेस्ड है मसीह हो गए, क्योंकि वो दोनों का अपने मिस नहीं कर रहा। हम क्या कहते हैं? अच्छा प्रे करना तो एहसान है, किसी ने कहो ना अरे 10 मिनट प्रे करी, चलो 10 मिनट की 20 मिनट कर रहे हैं, चला यार अपने दुश्मन को माफी मांगो, तुम जाओ मैं क्यों जाऊं? ऐसा लगता है प्रे करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन माफ करना हमें क्या लगता है? माफ करना मुश्किल है सुना, यह मुश्किल काम होता है, उसके पैसे भी ज्यादा पे एहसान काम दे थोड़े तो मुश्किल काम दे। अब जितने हुक्म अपनी जिंदगी में अपनाते जाओगे आप खुदा के नजदीक उतने ही होते जाओगे, और हर वो बंदा खुदा से दूर है जो इन हुक्मों पर अमल नहीं करता, दूर है वो खुदा से, खुदा उसे नहीं जानता। आप खुदा को जानते हो ये बड़ी बात नहीं है। आज जो लोग मसीहत में नहीं है वो भी हमारे यीशु को जानते हैं, जानते भी नहीं जानते। आप क्या समझते हो वो आसमान की बादशाह में जाएंगे? जाएंगे, हर जानने वाला आसमान की बादशाह में नहीं जाएगा। आप यीशु को जानते हो ये बड़ी बात नहीं है, ये भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक बादशाह तुसी जानते हो, इमरान खान वजीर आजम जानते हो ना सारे, किन्ने जानते हैं इमरान खान, तो इमरान खान किन्ने हम जानते हैं? हाँ तुसी जा कहो इमरान खान मैं सब जानना हूं, तो क्योंकि मैं नहीं जानता बाप बड़े, ये बड़ी बात नहीं है कि आप उसे जानते हो, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है, हर बंदा उसे जानता है। ये बड़ी बात यह है, बड़ी बात यह कि वो भी आपको जाने, और वो आपको उसको जानेगा जब आप उसके नजदीक जाओगे, आपकी उससे मुलाकात होगी, आपकी उससे बातचीत होगी, और आपकी मुलाकात आपकी बातचीत उस वक्त उससे होगी। सुनो, जब आप उसके हुक्मों पर अमल, हर बंदा मैंने एक दिन तजर्बा किया कितना खुश होता है तो अपनी बातों को किसी के अंदर देखकर। मैं एक दिन सलीम कुंडी में गया, प्यामी शायर है, उसका एक गीत है इंडियन वर्शिप करने वाला स्टीफन सोलो, उसने उसका गीत गाया है, उसमें स्थाई है सिलहरा दे पाले आने खौफ तूफान आना, अब वो मैंने गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है सिलहरा दे पाले आने खौफ तूफान आना,
और मेरी गाड़ी वहां पर खड़ी थी, मेरी फैमिली प्यारी साहब गुजरे हुए थे। क्या बात है, पूछा उस फैमिली से ये कौन था जिसे मेरा शर्म है। मैं फील कर सकता था, मैं उसकी खुशी फील कर सकता था, उस बात को देखकर खुश हुआ जो उसके वसीला लिखी गई, बड़ा खुश हुआ से देखा यार ये किसकी है, उसने पूछा ये किसकी है, उसने क्यों पूछा। अगर और कोई लिखा होता जो उसने लिखा है वो ना लिखा होता तो वो कभी ना पूछता कि ये कौन है। जब उसने वो बात जो उसकी थी तो फिर उसको वो मुतासर हुआ, पूछा वो कौन है। सुना आज खुदा भी आपसे पूछेगा, अगर वो बातें जो उसने हमें लिख कर दी आपके अंदर पाई जाएंगी तो वो रुक जाएगा, कौन है ये, कौन है ये, पूछ कौन है जिसके जिसने मेरे लिखा, लाओ इसे मेरे पास। मेरी बात किसे समझ आएगी? अगर आपके अंदर ये बात नहीं है तो कभी वो आपको देखकर रुकेगा नहीं, कभी नहीं रुकेगा। अरे खुदांदा खुदांदा हुनिया हुनिया कोई आने वाली बात तो नजर है आपके अंदर। अगर सिर्फ खुदा कह नहीं आ जाता क्या जो तुसी सारे इतने किथे इकट्ठे हो, तुसी ते घर बैठे कुछ जाओ कि तुसी खुदा नहीं आ जाना कि खुदांदा वो आ गए वो कहने से नहीं आता, करने से आता है, करके दिखाओ। रात को मैं यहाँ पे घुटनों को बांध के वाली प्रे कर रहा था और ये जो टेबल है ये मेरे पेट में लग रहा था, मेरे यहाँ स्टमक के एकदम स्टमक में लगा और मेरी वॉन्टिंग स्टार्ट हो गया, वॉन्टिंग स्टार्ट हो गई, लेकिन मैं प्रे बंद नहीं किया। उस प्रेम में मैं बोलता नहीं, एकदम से मेरी नोज से मुंह से वॉन्टिंग आनी शुरू हो गई और मेरे स्पिरिचुअल बच्चे एकदम से उठे। मैं बोलता नहीं, इसमें मैं बोला नहीं, मैंने शहर के शपर लेकर वो लेकर मैंने वॉन्टिंग की, वॉन्टिंग खत्म, प्रेस स्टार्ट है, प्रे नहीं रुकी, तकलीफ हो रही थी लेकिन प्रे नहीं रुकी। और अभी आपने देखा यार शैतान का हर काला है। सुना इस तरह नहीं मिलता वो, मैं रिपीट कर रहा हूं आपको बता रहा हूं कि खुदा मैं बोल रहेगा हर रोज मैं तुझे देखूंगा और देखने के बाद बनाऊंगा। जो खुदा ने कहा मैं देखूंगा वो क्या देखेगा, क्या देखने का कहा उसने, अपनी बातें। उसने कहा मैं हर रोज तेरे अंदर अपनी बातें देखूंगा, जितनी मेरी बातें तेरे अंदर भर दी जाएंगी उतना मैं तुझे बढ़ाता जाऊंगा, जिस दिन ये बातें तेरे अंदर भरना रुक गई उस दिन मैं तुझे बढ़ाना छोड़ दूंगा। आज लोग मसीह में क्यों नहीं भर रहे, कोई 30 साल से है, कोई 50 साल से, कोई 60 साल से मसीह में है, वही का वही है, भर नहीं रहा। आप 10 साल पहले मिले वही ब्लेसिंग, 10 साल बाद मिले वही भरे, रीजन क्या है क्यों नहीं भर रहा? क्योंकि उसके अंदर खुदा का कलाम नहीं भर रहा। आपके अंदर खुदा का कलाम भरेगा तो आप पढ़ोगे, जब कलाम भरना बंद हो जाएगा खुदा आपको बढ़ाना भी, आपकी बढ़ोती, आपकी सरफराजी, आपकी कामयाबी इस कलाम के साथ जुड़ी हुई है। मैं कभी भी नहीं करता, मुझे पता है ये मेरे भरने के लिए मुझ तक पहुंचा है, ये मेरी सरफराजी के लिए, मेरे बचने के लिए, मेरे हमेशा जिंदा रहने के लिए, मेरी अपनी जिंदगी के लिए मुझ तक पहुंचा है। और ये खुदा का प्लान था मुझे बचाने का, इसलिए आज ये कलाम मेरे हाथ में है और मैं इस कलाम को मिस नहीं होने दूंगा, सब कुछ मिस कर दूंगा इसके लिए, लेकिन इसे कभी मिस नहीं होने दूंगा क्योंकि ये मेरी जिंदगी के लिए है। कभी मिस ना करें इसे, कभी भी। अब जो खुदा को जानते थे, मसीह की मोहब्बत को जानते थे, पालू सुसुर मसीह की मोहब्बत को जानता था, उसने कहा मैं मसीह की इमानत भरा, तुम मेरी इमानत भर जाओ। अब उसने कहा लोग बुरा कहते हैं हम, लोग बुरा कहते हैं हम दुआ देते हैं, वो सताते हैं हम सहते हैं। अब इसे कितने हैं जो बुरा कहेंगे उसे और उसे कहेंगे गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे, कितने हैं? कई लोगों ने कुछ जी रखे ने, इन्हों तो कह देने जो गलत कहेगा गॉड ब्लेस यू, पर जो तू क्या तेरे दांत तोड़ देने
कुछ लोग रखे चंद लोगों के लिए नहीं मालूम सुनेगा ये का अच्छा इसकी बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन इसकी नहीं हर पर्दे के लिए उसने कहा लोग बुरा कहते हैं हम क्या करते हैं कोई भी बुरा कहेगा हम उसे दबा देंगे कोई भी सताएगा हम सहेंगे अरे क्या कोई भी बुरा कहेगा इसकी करांगे की करांगे दुआ दबांगे की करांगे वो बुरा कहते हैं हम ये है मसीह की मोहब्बत और इसलिए उसने कहा मैं किसकी मान बना अब पहले उसके बारे में बताते हैं कितना ताकतवर बंदा था और कितना डेंजरस बंदा सी कि जेड़े बड़े बड़े जशीले जज्बाती बंदे वो भी उसका नाम सुन के लोक दे सन कलीसिया और नाम तो डरदियां कंबदियां लोक दियां सन कितना ताकतवर दहशत वाला बंदा सी लेकिन जब उसे मसीह की मोहब्बत का पता चल गया कि मसीह की मोहब्बत ये नहीं है मारना पकड़ना धमकाना डराना ये मसीह की मोहब्बत नहीं और फिर स्टोरी चेंज होगी अगर मसीह की याद से पांच पांच हजार ताली ताली यानी क्या पांच पांच हजार लड़ाई हुई उन्हें एक मारी मैं दो मारी ऐसी क्या कि कितने कोड़े किसके लिए क्या दिखाने के लिए पिछले 20-25 दिन से खुदा मुझे एक ही टारगेट दे रहा है मैं बताऊं लोगों को टारगेट है आपके लिए कि बुलाओ अपने दुश्मनों को खाना करो उनका और उनको बताओ कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ रीजन पूछे उसे बोलो मसीह की मोहब्बत है जो मुझे मजबूर करती है कि मैं तुझसे भी मोहब्बत करता हूँ उठाओ अपने फूल कर लोगों पर जो आपसे नफरत करते हैं जो आपसे आपसे बात नहीं करना चाहते करो और बताओ उसे कि मसीह की मोहब्बत है मैं जो तुझे कॉल कर रहा हूँ कि उसने मुझे हुक्म दिया है जैसे मैंने तुझसे मोहब्बत की है तू भी एक दूसरे से मोहब्बत कर जैसी मोहब्बत उसने मुझसे की है तू वो दूसरे है जिससे मैं वो मोहब्बत करूंगा क्योंकि मसीह ने मुझे ये करने का हुक्म जब आप ऐसे करोगे तो लिख लो मेरी बात कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको बढ़ने से रोक सके जब खुदा बढ़ाने का प्लान करता है तो कोई भी रोकने वाला नहीं रहता सब तो पहले ताड़ी लाइफ से रोकने वाले भी खत्म करता है जब तो तुम खुदा का प्लान करता है रिवाज किधर है ये मुश्किल लगता है ना एंजॉय करो किसी में ऐसे लोगों को एंजॉय करो प्रॉब्लम को एंजॉय करो ऑनर एंजॉय करो स्माइल दो जो तुम तारीफ बड़ाई करते हैं हंसो खुश हो मसीह को बना ना रोल मॉडल नमूना के लिए बारे में बना बना पता ना और जिताया भी नहीं कभी आज किसी को पता लग जाएगा तो पाव ना आ जाए तो ना करना चाहिए हम आज कल साढ़े भी बड़े दुश्मन उठे हैं लड़का आने नहीं गल लड़का आने नहीं जिता आने नहीं है क्या ना करते सोचो कैसी मोहब्बत जो मोहब्बत मसीह में है और जो मोहब्बत मसीह करता है वो मोहब्बत कभी आप किसी इंसान से रिसीव नहीं कर सकते कभी और ना ही इंसान मुझे भी मोहब्बत हो किसे ना अगर मोहब्बत करना सीखना या करनी है तो तुम फॉलो क्यों करना पड़ेगा मसीह लिखा है दुख पा के भी किसी ने तुम कांदा अब क्यों ऐसे करता था लिखा वो अपने आप को खुदा के सबूत कर देता था कि अच्छा तू ही इंसान करेगा मैंने कुछ नहीं करना और किसी को खुदा यीशु ने नहीं मारा अपने आप को जिसके सपुर्द किया ये नहीं कि उनको सजा नहीं मिली जिन्होंने यीशु को सताया था जिन्होंने यीशु को पकड़वाया था जिन्होंने मारा था उनको सजा नहीं मिली मिली थी लेकिन वो सजा यीशु ने नहीं दी थी जिसके सपुर्द किया था अपने आप को उसने दी थी पकड़वाने वाले के बारे में बता दिया अंदर एक बार आ गया पर अंदर यीशु ने बाहर निकल दिया जिसके सपुर्द किया था
इस आप जिस अपने आप को उसके सबूत कर दे वो खामोश नहीं रहता। और जब आप अपने सताने वाले के लिए दुआ करते हो, अपने दुश्मन से मोहब्बत करते हो, तो आप अपने आप को अपने खुदा के ऐड और कर देते हो, खुदा के सबूत कर देते हो। आज कितने लोग हैं जो अपने आप को खुदा के सबूत करते हैं और अपने अपने दुश्मन से मोहब्बत करते हैं। मैं देखा कहने आ गया मैडम कि घर आ जाने जाने अंज करके पे जाए वो आ गया फिर शार कर पांच मिनट बाद अरबाद में मालूम क्या कह रहे हैं मसीह के मालूम राम एक दरबार का भाई है और एक दरबार का दुश्मन है। तो भाई से पहले दुश्मन को पानी पूछो, दुश्मन को खाना पूछो। आप भड़ोगे मैंने कहा भड़ोगे आप। खुदा के लोग ऐसे नहीं है। खुदा के लोग और दुनिया के लोगों में फर्क है, आसमानी लोगों और जमीनी लोगों में फर्क है। जमीनी जमीनी पहलवान दुनिया के पहलवान वो है जो गाल के बदले गाल देते हैं, मार खा मारने वाले के बदले जो मारता उसे मारते हैं, जो ऐब दुई करता है उसकी ऐब दुई करते हैं। लेकिन खुदा के लोग हटकर है मारने वाले को दुआ देते हैं और दुश्मन को खाना देते हैं। ये खुदा के लोग जो मुसीबत सहता है वो पहलवान है, वो मुसीबत पहलवान है जो सहता है बर्दाश्त करता है। लेकिन जो लड़ता झगड़ता है वो जीरो है, कमजोर है। ये मसीहत है, यही मसीहत है। मैंने कहा मेरी गल नहीं समझ आ रही। मसीहत क्या है? बर्दाश्त करना, सबर करना, दुश्मनों को माफ करना। अगर आपके अजीज के साथ आपका दुश्मन है तो ज्यादा मोहब्बत अपने दुश्मन को करो, अपनी मानत। कभी इसका तजर्बा करके देखो कि अपनी मानत जो मोहब्बत कही है मसीह ने, इसमें बरकत कितनी है। हर हुक्म के पीछे एक बरकत है, हर एक हुक्म के पीछे आपकी एक ब्लेसिंग है, आपके बढ़ने का एक प्लान है, आपको बढ़ाने वाली एक बरकत है। और आज लोग बढ़ क्यों नहीं रहे? क्योंकि हुक्मों को मिस करते हैं, वो अपने बढ़ने को मिस करते हैं, वो अपनी बरकत को मिस करते हैं। दुआ करने के बाद जो 20-20 साल से, 25-25 साल से, 10-10 साल से, 5-5 साल से, 2 साल से, 3 साल से दुआ कर रहे हैं और रिजल्ट देख रहे हैं, रिजल्ट मिल क्यों नहीं रहा? रिजल्ट आपको कलाम से मिलेगा। जब आप कलाम को पूरा करोगे फिर आपकी दुआ भी आपको रिजल्ट देगी। आपकी दुआ खुदा के हुक्मों के साथ जुड़ी हुई है। खुदा उस दुआ को सुनता है जो हुक्मों को पूरा करने के बाद की जाती है, और जो दुआ के साथ हुक्म नहीं है वो दुआ आसमान तक नहीं पहुंचती और ना ही उस दुआ को खुदा सुनता है। उस दुआ नहीं खुदा सुनता, तेरी दुआ खुदा के हुक्मों के नाल जुड़ी हुई है। तेरी दुआ पावर उदो आती है आसमान तक पहुंचती है जो तेरे अंदर हुक्म होते हैं। जो हुक्म नहीं होते तेरी वो दुआ तेरे घर से सुनते हैं, खुदा भी सुनता है। बरकत किन्ने देनी तेरे घर दे? दुआ का जवाब किन्ने देने घर दिया? तो फिर दुआ भी किन्ने तक पहुंचनी चाहिए? और इन्नी थ्रो दुआ च कदों होएगी? अब ये जब ये कहने के बच्चे कह रहे हैं एक में पुत्र अच्छा चल पलूस और यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, वो भी दुआ कर रहे थे, जवाब नहीं आया। जवाब नहीं आया शैतानी ने ठप्पर क्या अपना ठगे रीजन क्या थी? वो दुआ खुदा तक क्यों खुदा तक नहीं पहुंची थी? क्योंकि उनकी जिंदगी में वो खुदा नहीं था। मेरी बात की समझ आ रही? और आज ज्यादा तादाद मुसीबतों की पाई जाती है, ज्यादा तादाद जो जाने का दावा करते हैं। मैं कहते हैं लोग देखे नहीं तुझे माई बंदी गल करो अच्छा जबान नहीं दस सकते हैं तो सिगटा की टप्पी न सवार की पूरी उन्होंने जेब चो तुम मिलेंगे तो शराब वाले किसे तो महल के लड़ाई वाले किसे तुम उस बंद से मिलेंगे तो कलाम की गल जितों मर्जी सुन लो तो बुराई भी जितों मर्जी सुन लो कलाम की गल भी जितने मर्जी सुन लो तो करतूतों भी जितों मर्जी सुन लो हर फंक्शन पाया जाएगा।
सुनो, ये बड़ी बात नहीं है अगर आपको जानते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि आप जानो और उसके मुताबिक बन जाओ, ये बड़ी बात है। और आज मसीहत में जिस तरह मसीहों को होना चाहिए, क्यों नहीं है? लिखा ईमान लाने वाले के दरमियान ये लिखा, एक पादरी के दरमियान ये मौजे हुए, ये लिखा है। एक पादरी के दरमियान है मौजे होंगे, बुद्धिमान कटेगा। लिखा की लिखा है हूँ छेड़े आते नहीं सारा ये तुसी दे ईमान होना चाहिए बुद्धिमान दिया क्या फिर बाइबल में झूठ लिखा है? नहीं, रीजन क्या है? आप ईमान को समझो, वो ईमान जिसके साथ हम मान लें अपनी जात से क्या है, क्या अपनी जात से मुर्दा। और ये सिर्फ मुर्दा ईमान करने का, जिंदा ईमान करना है कि जो ईमान आएगा उसके दरमियान ये मेडिकल होंगे कि वो मेरे नाम से बदरुओं को निकालेगा, अगर मैं हलाक करने वाली चीज उसे पिला लेगा तो उसे कुछ भी नहीं होगा, कुछ जर नहीं पहुंचेगा, वो सांपों को उठा लेंगे पर वो उसी का कुछ भी बिगाड़ है। ईमान, जिंदा ईमान की मैं बात कर रहा हूं, और जिंदा ईमान बाइबल वो बताती है जिसके साथ ईमान है। और ईमान क्या है? जो उसने कहा है अगर हम वो करते हैं तो फिर वो हमारे अमाल है, वो हमारे क्या है? कीने सा दे। और उसने क्या कहा? जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से, उन्होंने मोहब्बत नहीं रखी, जिन्हें गाल कटी उन्होंने को गाल, जिन्हें घर नहीं बढ़ने दिता आई कहना तुम्हें है तो बस साढ़े घर, तू नहीं मुन्नू ब्याह दे सदिया मैं भी तेन अगों तो मैं तेरे मुंडे दे तेई साल गया तू तेनू के भी नहीं ला तू आएगी मैं भी तेन गेट दे तू मैं गिफ्ट दिता है मैं तेन गिफ्ट दवा तू 500 वर्ते आई भावें तेरे तेरे कर पैया नहीं मैं भी 500 वर्त रहे हमसे मोहब्बत नहीं बल्कि जैसे मैंने तुमसे किया, तुम कई बार गुनाहगार थे मैंने फिर भी तुमसे मोहब्बत की, तुम गलत है मैंने फिर भी तुमको माफ किया, अब जैसे मैंने तुमसे किया तुम भी एक दूसरे से क्या करो, वही मोहब्बत तुम भी एक दूसरे से। आज और क्या करना है? वही मोहब्बत करनी है। केड़ी तुझे को आके चढ़ाएगी ना बाची उन्होंने आकदा तेरी जिठानी ने तो इसकी तेना दान बरकत है। जे तू कहना ना किताब में बरकत है तो देखी तेरी विचार ना सही बना देते हैं, पर जे कहना साहब मैं तेरे पहले ही रहनी सब उनके शक सी होते पहले देर में तारे मिट्टे चोले आए सी तू कुछ कहते हैं साहब ये कौन देना कभी चर्च क्या मैं दाम करने ना अजीब पहुंच रहे ना तू चुप कर रो ना नहीं ना वो ही डांगर अपना सिर पर वार वापस आया हुआ सुना आप उस ससत को कैद कर देते हो जब आप कलाम को बोलते हो कलाम के मुताबिक बोलते हो। मुझे कोई जादू लगे ऐसा कर मैं तो नहीं कह सकता क्योंकि यीशु मेरे साथ है ब्रेड लगा हुआ है। और क्यों आप उसे आप भाई को माफ करते हैं और एक साथ हमारा भाई का रिश्ता नहीं हम उसे माफ नहीं करते, क्यों? हम समझते हैं ये खून का रिश्ता है। सुनो असल में खून का रिश्ता जो आप कहते हो वो खून का रिश्ता नहीं है, ये मेरी माँ से पैदा हुआ है इसके साथ मेरे खून का रिश्ता है नहीं। मैं खून के रिश्ते को इस तरह देखता हूँ, एक मुझ पे ब्लड लगा हुआ है, मसीह का ब्लड मुझ में भी है और इस बेटी में भी मसीह का ब्लड है। अब हमारा किस क्या रिश्ता है? खून का रिश्ता है क्योंकि इसमें कौन सा ब्लड है और मुझ में किसका है? हमारा रिश्ता क्या है? खून का रिश्ता। हम दोनों में एक ही ब्लड है। किसका? एक बंदे को आप कहते हो वो मसीह है, दो दरिया में रिश्ता उसके साथ आपका कोई नहीं, लेकिन खून का रिश्ता और हमेशा का रिश्ता आपका उसी के साथ है। आमीन।
खड़े होंगे। सुनो, पहले वो खड़े होंगे।